हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। सबसे बड़ा सवाल, क्या मसीही रक्षाबंधन मना सकते हैं या फिर सच में एक धागा ही मनुष्य की रक्षा कर सकता है? इसके बारे में बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है, आइए देखते हैं। जैसे रोमियो 12:1 से 2 तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। हमारा लक्ष्य है कि संपूर्ण जीवन आत्मिक आराधना, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। परमेश्वर की दृष्टि में सभी मानव जिंदगी का लक्ष्य यह है, मसीह को उतना ही मूल्यवान दिखाया जाता है, दिखाया जाए जितना कि वह है। आराधना का अर्थ है हमारे मन और हृदय और शरीरों को परमेश्वर के मूल्य को और जो कुछ हुआ यीशु मसीह में हमारे लिए है। पौलुस का उत्तर है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। वे लोग जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, मसीह में लहू से खरीदे गए हैं, नए बन चुके हैं। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है मसीह में। पहले हम मसीह में नहीं थे तो सब कुछ करते थे, हर एक त्योहार मनाते थे, मगर अब हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं, मसीह में एक नया जन्म मिला है, तो हमारा चाल चलन भी बदल जाए। ने नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तुम्हें मसीह में नया जन्म दिया गया है और अब तुम प्रतिदिन नया बनते जाते हो। शैतानी रीति रिवाज में मत जाओ। रक्षा बंधन का त्योहार शैतान का वार, शैतान में नाश करने पर लगा हुआ है, बर्बाद करने पर लगा हुआ है। अभी बाइबल समझ लो, अभी बाइबल है, समझ लो इसको। इस बात को अपने लिए वो चीज मांगो जिससे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सको। इसे बेकार मत जाने दो, अवसर अभी है, समय अभी है। इस समय को कीमती समझो, क्योंकि अंत के दिनों में शैतान अपना तीर बहुत जोरों से चलाएगा। बाइबल बताती है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। सभी सर्वदा बने नहीं रहते, कुछ रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, कुछ परमेश्वर की इच्छा को करते हैं और कुछ नहीं करते। इस अर्थ में परमेश्वर की इच्छा संदेह घटित नहीं होती है। बाइबल बताती है, किसी भी अशुद्ध चीज को मत छुओ, यानी हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, करना चाहिए जिसका झूठे धर्मों से नाता हो। हमें परमेश्वर के वचन से जानना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। यीशु ने कहा है, तुम मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। कहाँ है आपका विश्वास, कहाँ है आपका भरोसा? जैसा लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मेरा सरल स्थान है और ऊंचा गढ़ है, और परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, कोई मनुष्य नहीं करता है। अभी भी वक्त है, सोचो विचारो और किसकी इच्छा पर चलते हैं और किसको प्रसन्न करना चाहेंगे। फैसला भी आपका है और चुनाव भी आपका है, चुन लो जिसको चुनना चाहते हो। यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ भी होगा? मेरे पास धन है, दौलत है और मैं मरकर नरक में ही चला जाऊं तो पैसा किस काम का और दौलत किस काम की और त्योहार किस काम का? यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। इब्रानियों 10:26 में लिखा हुआ है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हम यीशु मसीह को जानने के बाद भी अगर जानबूझकर पाप करते हैं तो उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है।
बस उसके लिए एक ही रास्ता है, नर्क की आग जिसमें विरोधियों को डाला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। यिर्मयाह 2 अध्याय के 27 और 28 वचन में लिखा हुआ है, वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी और मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु वे विपत्ति के समय कहते हैं उठकर हमें बचा ले। वे काठ से कहते हैं, वे पत्थर से कहते हैं जिनमें श्वास ही नहीं है, वे तुमको क्या बचाएंगे। उनके आँख तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती हैं। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे। यदि वे विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि हे यहूदा तेरे नगरों के बराबर देवता भी अधिक हैं। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, यीशु ही सत्य है और जीवन का मार्ग यीशु मसीह ही है। यह आजकल 7 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है, तेरा अंत भी आ गया है और मैं अपना कोप तुझ पर भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। परमेश्वर के पास हर एक मनुष्य का लेखा जोखा है। परमेश्वर हर एक मनुष्यों के कामों के अनुसार उसे दंड देगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 15 और 17 वचन में लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अगर कोई दो नाव में पैर रखेगा वह जरूर डूबेगा। संसार में क्या है, संसार में शारीरिक अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं हैं और जीवन का घमंड है, और ये सब परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये सब शैतान की तरफ से है। और शैतान और उसकी अभिलाषाएं इच्छाएं दोनों एक दिन नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। परंतु जो मसीही परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वह सर्वदा बना रहेगा। अब किसी पर अचानक विपत्तियां पड़ती है तो वह कुछ भी बाकी नहीं रखता है। कहीं मंदिर गुरुद्वार पीर फकीर बाबाओं के पास जाते हैं फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है और बाद में उससे भी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है। आज मनुष्य कुछ भी बाकी नहीं रखता है तो क्या फायदा उस त्यौहार से। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। यीशु मसीह ही वह सीढ़ी है जो हमें स्वर्ग तक पहुँचा सकती है। एक ही परमेश्वर है और वह प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ना तो लकड़ी में है और ना तो पत्थर में है, परमेश्वर तो अपने पवित्र स्वर्ग में है। आज मनुष्य रक्षा बंधन मनाता है, एक ही दिन की खुशी और सिर्फ एक ही झलक दिखाकर चला जाता है। देखिए मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता बल्कि सत्य को बताना है। लोग क्या कहेंगे, वो तो यीशु मसीह में हो गया, उसका धर्म बदल गया। यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता है। आज मनुष्य क्या कर रहा है, आज मनुष्य अपनी ही हाथ की बनाई मूर्तियों के आगे सिर झुकाता है, चढ़ावे चढ़ाता है, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं है। शांति केवल आपको प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति और जीवन का जल मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी प्यासा न रहेगा वरन उसमें से जल की धाराएं बह निकलेंगी। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के 14 से 17 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। अविश्वासियों के साथ आसमान के जीव में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, बलियाल के साथ क्या नग लगाओ, या विश्वासी या अविश्वासी के साथ क्या नाता। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। बाइबल में स्पष्ट रूप से शिक्षा देती है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उनके साथ हम इस संसार में नहीं जुटना है, क्योंकि ज्योति अंधियारे को ग्रहण नहीं कर सकती है, क्योंकि विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता नहीं, कोई मेल जोल नहीं है। इसलिए हमें उन लोगों के बीच से निकलना है जो लोग अविश्वासी हैं, जो सब त्यौहार मनाते हैं। परमेश्वर पवित्र है इसलिए हम अशुद्ध वस्तु को नहीं छू सकते हैं। मेरे प्रियो इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर देना, क्या पता आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बढ़ सकती हैं। इसके लिए परमेश्वर आपको मुकुट देगा।
स्वर्ग का जीवन देगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।